नमस्कार, मैं पुष्पा जांगिड पुष्पाज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जापे की श्रृंखला में हम बनाएंगे दोपहर का खाना, जिसमें मैं बनाऊंगी पूड़ी, सब्जी और शीरा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिए। और ये सब जो चीज़ें मैं बना रही हूँ, बहुत सोच समझ कर और बहुत ही अच्छे से आजमाने के बाद मैं बना रही हूँ, तो आप इसे अच्छे से आजमा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। धन्यवाद। आइए शुरुआत करेंगे हम पूड़ी से। पूड़ी के लिए लेंगे हम गेहूं का आटा। परात में आटा लेने के बाद हम ले लेंगे इसमें देसी घी। देसी घी के साथ ही हम लेंगे इसमें अजवाइन, अगर आपने पीस के रखी है उसमें से लेंगे तो बहुत अच्छा है, आँखी भी चलेगी। और लेंगे नमक थोड़ा सा। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम हल्के हल्के पानी के साथ इसे गूंदेंगे, यानी कि बहुत कम कम पानी के साथ गूंदेंगे। आटा कम है इसके लिए पानी कम कम डालने से हमारा आटा गीला नहीं होगा और हमें इसमें और ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से अब ये मुझे हल्का सा कड़क लग रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे नरम बनाकर हम अच्छे से ढक देंगे एक साथ बांधकर। ये देखिए इस तरह से। और अब इसे ढकने के बाद हम तैयारी करेंगे इसे तलने के लिए पूड़ी बनाकर। कढ़ाई देखिए दो तरह की है, एक है ये पैन जो फैली हुई है और इसमें हमें घी ज़्यादा लगेगा, और एक है हमारी जो रेगुलर जो कढ़ाई है, इसमें तना छोटा होने की वजह से कम घी में हमारा अच्छे से काम हो जाएगा, तो हम ये लेना पसंद करेंगे। और ये लोखंड की है तो ये वैसे ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। अब इसे आँच पर रखकर हम इसमें 1/3 कप घी गर्म करेंगे, जो कि इसमें हमारा शीरा भी बनेगा, सब्जी भी बनेगी और पूड़ी भी तली जाएगी। जैसे ही घी गर्म हो रहा है हम आटे को खोल कर उसे अच्छे से हाथ से मत कर उसकी लोइयाँ तोड़ लेंगे दो। देखिए अजवाइन जो नीचे गिरी है वो भी हम आपस में ले लेंगे और इसे सूखे आटे के साथ हम बेल लेंगे। बेलते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा आटा हल्का हल्का फटता जाएगा, क्योंकि इसमें घी अच्छे से है तो आटा फटेगा ज़रूर। तो हम इसे एक तिकड़म के साथ अच्छा बनाएंगे, इसे समोसे का शेप देंगे, तिकोने पराठे का शेप भी बोल सकते हैं। बिना तेल घी कुछ भी लगाए हम इसे कोरे आटे को ही शेप दे देंगे। फिर से थोड़ा सूखा आटा लगाकर इसे थोड़ी सी रोटी से छोटी हम पूड़ी बना लेंगे। ये ना तो मोटी है और ना ही ये पतली है, क्योंकि इसमें घी ज़्यादा है तो हल्की से मोटी रखना पड़ेगा। अब देखिए घी जैसे ही हमारा गर्म हो गया हमने तुरंत इसमें ये बनाई हुई हमारी पूड़ी डाल ली है। आँच अभी कम कर दी है, क्योंकि फास्ट आँच रहेगी तो ये जलना शुरू हो जाएगी। कम आँच पे इसे हिलाते हुए मत पलटेंगे। इस वक्त मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप जापे का खाना खा रहे हो तो इसमें मावे की बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। जैसे देखिए दोनों पूड़ी तैयार हो गई हमारी। अब हम तैयारी करेंगे शीरे के लिए। आँच हमने इसकी कम कर रखी है और इसमें से मैं ले लूँगी अभी जो हमारा बचा हुआ घी है, तला हुआ घी है। इसमें हल्के अजवाइन के दाने हैं, थोड़ा सा आटा है तो उससे कोई तकलीफ नहीं है। अभी 1 चम्मच घी मैंने निकाल लिया, बचे हुए घी में मैं ले लूँगी गेहूँ का आटा शीरे के लिए। जितना कप मैंने लिया है वो 1 पर्सन के लिए बराबर है। अब इसको मैं फटाफट सेकूँगी ताकि हमारी कढ़ाई अच्छे से गरम है, और इसे हम चलाना बंद कर देंगे तो हमारा शीरा कहीं से जला हुआ और कहीं से सिका हुआ कच्चा ऐसे रह जाएगा। इसके लिए देखिए तुरंत हमारा आटा भुन चुका है। अब इस भुने हुए आटे को हमें तुरंत ही पानी के साथ मिलाकर रेडी करना है। आँच एकदम कम के साथ मैं सेक रही हूँ, बिल्कुल भी आँच फुल नहीं है, पर पहले से घी हमारा गर्म था इसके लिए ये बहुत जल्दी से पक गया है। आटे से 2.5 गुना पानी मैं ले लूँगी इसमें ज़्यादा, ये देखिए इस तरह से। और इसे तुरंत चलाना चाहूँगी क्योंकि कम आँच पे है, फिर भी ये शीरा जलना नहीं चाहिए। जैसे ही पानी पूरा ऐड हो गया इसे चलाते हुए हम पका लेंगे।
हल्का पानी कम लगा इसके लिए आधा कप पानी और ले लिया। साथ ही मैं ले लूँगी इसमें शक्कर, शक्कर की बजाय आप इसमें गुड़ ले लेना। गुड़ के साथ ये शीरा और भी अच्छा बनेगा। ये शक्कर हिलाते हुए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिए, चलाते हुए मैंने इसका अच्छे से शक्कर पिघाल ली है। जैसे ही शक्कर हमारी पिघल जाए हम आँच बंद कर देंगे और अब इसे ले लेंगे एक बाउल में। ये देखिए इतना घी हमारा शीरे में निकला है। ये घी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं भा रहा है तो आप इसे सब्जी में डाल के खा लीजिए या आप इसे रोटी के साथ चॉप कर खा लीजिए, पर ये घी बिल्कुल मत वेस्ट कीजिए। शीरे का घी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अब मैं इसे बाउल में घी के साथ ही पूरा शीरा में ले लूँगी और अच्छे से मेरा कढ़ाई से शीरा लेने के बाद वही कढ़ाई मैं यूज़ करूँगी सब्जी के लिए। अब मैं तैयार करूँगी पापड़ सब्जी के लिए। एक पापड़ एक प्लेट सब्जी के लिए बराबर होता है। इसे मैं बारीक मोटा जैसे आपको चाहिए वैसे तोड़ रही हूँ। जच्चा के लिए जो ज़रूरी है वो है हरी सब्जियाँ, मूंग की दाल। हरी सब्जियों में है जैसे कि पालक, मेथी या फिर कोई भी सीज़न में जो अच्छी सब्जियाँ आती है वो। और आपको नहीं देना है वो है चने की दाल, बैंगन, गंवार फली, ये सब चीज़ें नहीं देते हैं। और अब उसी कढ़ाई में मैं ले लूँगी जो एक चम्मच घी हमने निकाला था। धीरे धीरे नितारते हुए मैं ले रही हूँ ताकि इसमें जो हमारा पूड़ी का आटा है वो साथ में ना आए और हमारा छौंकन ना जले। हल्का सा घी हमारा साइड में पड़ा है और अब इसमें मैं ले लूँगी जीरा और जीरे के साथ ही ले लूँगी इसमें लहसुन। लहसुन जच्चा के लिए बहुत ज़रूरी है, इसे सर्दी वगैरह नहीं होती है। साथ ही ले लूँगी इसमें बहुत हल्की सी हल्दी और बहुत कम मिर्च और इसमें ले लूँगी पानी और साथ में नमक। इसमें कोई भी तरह का आप कांदा, टमाटर ये सब चीज़ें नहीं डालनी है, खटाई तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जैसे ही पानी उबला हमने तुरंत इसमें पापड़ ऐड कर दिया है। ये देखिए पापड़ मेरा शायद ज़्यादा खार वाला है, तो जैसे ही मैंने नमक और हल्दी के साथ इसे डाला ये तुरंत लाल हो गया क्योंकि इसमें शायद पापड़ खार ज़्यादा है। तो आप जब जच्चा के लिए बना रहे हो पापड़ की सब्जी तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि पापड़ आपके कैसे हैं। ये हम घर में ही खाएंगे तो ये मैं चला लूँगी। देखिए बन चुकी है पापड़ की सब्जी। इतना झोल या फिर इससे ज़्यादा झोल भी आप इसमें बना सकते हैं और इतना और या इससे कम भी बना सकते हैं। एक ही कढ़ाई में मैंने तीनों चीज़ें बना ली। ये भी आपको सीखने मिलेगा कि आपको एक ही बर्तन में तीनों चीज़ें कैसे बनानी है और बहुत कम घी में, यानी कि उतने ही घी में आप बहुत व्यवस्थित ये चीज़ें बना सकते हैं। शीरा, पूड़ी और साथ ही पापड़ की सब्जी मैं मेथी के साथ गार्निश कर रही हूँ। आप धनिया भी यूज़ कर सकते हैं और ये गार्निश कर रही हूँ बादाम से। और ये हो गई हमारी जच्चा की दोपहर के खाने की तैयारी। तो आप इस चीज़ को ज़रूर नोटिस कीजिए और आपको ये चीज़ ज़रूर पसंद आएगी कि मैंने आपको ये क्या सिखाया है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल बटन दबाना याद रखिए। धन्यवाद।